गौहर खान और जैद दरबार ने जैसे ही अपनी वेडिंग की न्यूज की अनाउंस, फैंस के साथ साथ सोशल मीडिया पर टेलीविजन स्टार्स वेंट क्रेजी। देखिए गौहर खान के अच्छे दोस्त करणवीर बोहरा ने कैसे किया उन्हें विश। इस क्रेजी वीडियो को करणवीर ने कैप्शन दिया, ओह माय गॉड, बेस्ट न्यूज टुडे एट गौहर खान, यू आर गेटिंग मैरिड, याहू, सो हैप्पी फॉर यू गाइस एट जेड दरबार, वेलकमिंग यू गाइस सून टू द हैप्पी क्लब। After months of dodging questions about their relationship, actor Gauhar Khan finally made it official with social media influencer Zed Darbar. She announced their engagement with an Instagram post, which was simply captioned with a ring and heart emojis. वहीं Zed Darbar ने भी same picture को अपने Instagram account पर किया share. वहीं इस पिक्चर की बात करें तो गौहर खान एंड जैद दरबार कुड बी सीन गेजिंग लविंगली एट ईच अदर एंड सराउंडेड बाय बलून्स। द बिगेस्ट बलून वाज अ ब्लू हार्ट शेप्ड वन व्हिच रेड शी सेड यस, व्हाइल शी लुक्ड गॉर्जियस इन अ फ्लोरल सलवार कमीज, ही वोर अ येलो शर्ट एंड व्हाइट पैंट्स। गौहर खान की इस अनाउंसमेंट के ठीक बाद उनके इंडस्ट्री कॉलीग्स ने उनके सोशल मीडिया टाइमलाइन को कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस से भर दिया। सिंगर नेहा कक्कर, हु गॉट मैरिड लास्ट मंथ, कमेंटेड, ओह वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू टू। टेलीविजन होस्ट एंड फॉर्मर बिग बॉस कंटेस्टेंट सोनाली नागरानी रोट, गर्ल, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, वाज जस्ट गोइंग टू आस्क यू अबाउट व्हेन यू आर गेटिंग हिच्ड। Congratulations at Zed Darbar at Gauhar Khan. Music composer Vishal Dadlani commented, Congratulations at Gauhar Khan and at Zed Darbar. Gauhar Khan ke is post ko ab tak 4 lakh se bhi zyada likes mil chuke hain. वैसे गौहर खान और जैद दरबार की वेडिंग अनाउंसमेंट लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज नहीं था, क्योंकि जब गौहर खान बिग बॉस के घर में एज अ सीनियर गई थी, तब से ही जैद दरबार के साथ उनकी शादी की न्यूज आ रही थी। रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में गौहर खान ने जैद दरबार को लेकर कहा था कि ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, लेकिन नवंबर महीने में अपनी एंगेजमेंट के रूमर को गौहर खान ने डिनाई कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, इश्क छिपाए नहीं छिपता। फाइनली अपने सोशल मीडिया पोस्ट में गौहर खान और जैद दरबार ने ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया, बल्कि वेडिंग की न्यूज भी अनाउंस कर दी।